हेलो दोस्तों, आशा करता है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों तो आपका स्टडी अच्छा चल रहा होगा, मुझे यकीन है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों तो आज ना आपको क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाइए, उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा याद करिए और लगाइए दोस्तों, ठीक। आज एक भाई ने एक कमेंट किया, सर मुझे लेसन 1 का और लेसन 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। भाई इतना ही बोला, मेरा दिल गदगद हो गया। भाई उस भाई को मैं सलूट करता हूँ, भाई कितना अच्छा कमेंट किया है, भाई का बहुत बढ़िया बात है। मैं उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ भाई, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेसन 1 का, दोस्तों लेसन 6 का भी डाल दूंगा, लेकिन लेसन 1 का देखिए पहला, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। मैं इस वीडियो में आपको 10 या 12 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ फिजिक्स का है दोस्तों, है ना, सारी जानकारी मिलेगी वीडियो के अंदर, देखते रहिए। हाँ दोस्तों, करना क्या है, देखिए लेसन 1 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, यहाँ पर आपको इसमें क्या मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई 2 नंबर का तो कोई 5 नंबर का, कोई 6 नंबर, है ना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पढ़ाया गया है, अगर आपको नहीं आता है तो बताना, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक। बट इस समय केवल मैं इस वीडियो नहीं, मैंने हल नहीं किया, केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट आप। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा क्या है, कुलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। भाई कुलाम का विद्युत बल संबंधी आपको नियम लिखना है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, दूसरा ये फिजिक्स का है, पहले लेसन के अंतर्गत है, ठीक सब क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्या आता है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए वैद्युत फ्लक्स की लोग परिभाषा लिख सकते हैं लेकिन मात्रक नहीं लिखते, इसीलिए नंबर कट जाता है, इसका मात्रक भी लिखना होगा, ठीक, तब आपको फुल नंबर मिलेगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थित में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, आज कहां पे बोला मैंने, ध्यान से क्वेश्चन के अंदर है, 5 नंबर का है ये दोस्तों, डेरिवेशन है। करना क्या है यहाँ, तो क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है, अच्छे स्थिति दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान, अच्छे स्थिति जब बोला जाएगा तो आपको हल करना होगा, ठीक। इसका भी मैंने वीडियो नहीं बनाया हूं, अगर आप कहोगे तो मैं बना दूंगा इस पर, ठीक। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। पांचवा बात करता हूँ, पांचवा नंबर क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थित में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान चलिए ये आ चुका है, इसे भी तैयार कीजिए, ठीक। तक तो ये 5 थे, टेम्परेरी क्वेश्चन है ना, तकरीबन आने की चांसेस भी है, एक तरफ सोच रहे हैं, एक तरफ भी सोच रहे हैं कि आने चांसेस नहीं भी है, मतलब इनके चांसेस उतना नहीं है जितना मैं इससे इनके बाद क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, वो मतलब 5 क्वेश्चन और है, वो है इस पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते रहिए वीडियो को, अभी और है। तो अब बात, अभी तक तो जो देखा वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब क्या है, जो 4 या 3 5 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि आपका 5 5 तकरीबन 7 कभी कभी 8 5 नंबर से नीचे नहीं है, ये मान के चलिए, चाहे जो पेपर आपका वो इंटर में आने ही वाला है ना, आप खुद यकीन मानोगे, क्वेश्चन को देखो तो एक बार। पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ चुका है ना, ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है भाई, हर बार आता है, प्री बोर्ड हो चाहे यूपी, प्री बोर्ड परीक्षा में भी आता है ना, यूपी बोर्ड जहाँ पेपर देने जाओगे, बोर्ड एग्जाम में भी आता है दोस्तों, बार बार, अर्धवार्षिक परीक्षा तो हो ही चुकी है, हर बार ये आता है दोस्तों। आप जिस जगह से भी हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे राजस्थान से, चाहे पंजाब से, चाहे आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, ये हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्या नाम भाई, स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। सबसे पहले इस कंडीशन में करना क्या, ये 5 नंबर का है, बच्चे भाई गलती यही करते हैं, ये क्वेश्चन देखा उन्होंने क्या किया, गॉस का सूत्र, गॉस का नियम लिख दिया, 2 लाइन का बस चले आए, यहाँ बोलते हैं भाई हम तो 5 नंबर पा गए, हम तो ये कर दिए, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर दिया, लेकिन उनको ये बात नहीं पता है, एक नंबर नहीं मिलेगा, छोटी सी गलती थी बस, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, ये सूत्र का निगमन करना है, ये सूत्र आया कैसे, ये आपको बताना है, पूरी रियलिटी दिखाना वहां पर, ठीक। लेकिन करते क्या है, गॉस का लिखते हैं, डालते हैं गॉस की प्रमेय, कुछ लिखते हैं 2 लाइन छोड़ देते हैं, यही नंबर कटा, आप नंबर डाउन होता चला जाता है दोस्तों। तो अब आप समझ जाइए, यही से गलती करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले करना क्या, आपको हेडिंग डालना ऊपर गॉस की प्रमेय, फिर आपको हिंदी, आपको 2 लाइन 3 लाइन जो भी आपको याद होगा याद लिखना है, उसके बाद इसके बारे में आपको ये
आपको चित्र बनाकर इस पर आपको डेल कर लेते हो। जब आप पूरा इसका निगमन कर लेते हो दोस्तों, अर्थात इस सूत्र का प्रूफ कर देते हो, जब आप तब आपको 5 या 8 नंबर मिलेगा, ये मान चलिए ये क्वेश्चन आएगा, मेरा यकीन मानिए। जो कि आप जैसा देख सकते हैं 19, 20, 21, 22 हर बार पूछा गया, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। जो रिकॉर्ड तोड़ देता है उसके बारे में नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि उस तो लिस्ट में नाम तो चढ़ ही गया ना, तो ये आने ही वाला। 7वां नंबर क्या है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। देखिए किसका किसका यूज हो रहा है, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम का निगमन कीजिए, ये भी चांसेस पाई जाती है, तो इसको आप लोग तैयार करना अच्छे से दोस्तों। 7वां क्वेश्चन ये क्या है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। फिर बात करते हैं 8वां नंबर क्या, अनंत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम क्या बताएं, है ना, आप खुद समझो भाई। ये मान चलो इस पार्ट का 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो गॉस का प्रमेय, दूसरा क्या है अनंत समतल आवेश प्लेट चादर, चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो सूत्र लिखा ना इसी सूत्र को निगमन करना है आपको। 8 या 5 नंबर क्लियर पक्के आपकी झोली में पासी मार्क्स से लमसम लमसम हो, ठीक। तो इसको आपको तैयार कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा, ठीक। अब बात करते हैं 9वां नंबर क्या है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेश सीधे तार, तार के जब क्वेश्चन आएगा तार से संबंधित, तो ये वाला क्वेश्चन निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। ये सूत्र आप ταV1/2πε0 के ब्रैकेट के अंदर क्यों बटे यार ब्रैकेट क्लोज, ये आपको सिद्ध करना है ये सूत्र, ये भी आपका 5 नंबर होगा, स्कूल में बताया गया होगा। नहीं अगर आपको बात आता है कमेंट करके बोलिए, इस पर 2 वीडियो अलग से आपके लिए वीडियो में डाल दूंगा, सटीक से सटीक जानकारी, मतलब आसान विधि से, बट करना क्या है इस 2 के लिए केवल, है ना, वीडियो में डाल दूंगा लगा करके, कैसे आप लगाओगे अच्छे से आसान से आसान, बट करना क्या है फ्री है भाई, मैसेज करिए बताइए कि सर मुझे दिक्कत होती है दोनों में, मुझे आसान विधि से बताइए, मेरे स्कूल में नहीं बताया गया, अरे स्कूल के मारो गोली, अगर आपको नहीं बताया गया तो मैं बताऊंगा ना, मैं तो हूँ पास करना की आपको जिम्मेदारी रखता हूँ दोस्तों। आप कमेंट करिए अभी, जस्ट बोलिए कि सर मुझे ये 2 क्वेश्चन क्या हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, अगर आप बोलते हैं तो मैं बताऊंगा, कोई पैसा आपको नहीं लगता है, फ्री सेवा फ्री होगी आपकी, ठीक। फिर क्या करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। 10वां नंबर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, अगर आपको आता है तो खुशी ही खुशी, अगर नहीं आता तब फिर देख लेना, है ना। क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव के कारण स्थित ऊर्जा में सूत्र लिखिए, है ना। अगर इस तरह ये तो याद कर लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, है ना, इसके अंतर्गत जो अंदर है ना आपको डिफरेंशियल परिभाषा वो याद कर लीजिए और सूत्र याद कर लीजिए, ठीक। बाकी आपको इसमें दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट के मामले में देखा जाए जो कि 8-8 या 5-5 नंबर क्वेश्चन, फिर से मैं बोलने वाला हूँ, एक गॉस का प्रमेय है, एक अनंत समतल आवेशित तार के लिए है, अनंत लंबाई के लिए चादर, एक तार के लिए चादर के लिए, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्लस गॉस का, अगर आप चाहते हैं तो गॉस की प्रमेय से कूलाम, है ना, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अगर ये 4 या 3 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं, मतलब आपको डिफिनेशन करना कि सर सूत्र कैसे आए, ये सूत्र कैसे हम डेरिवेशन करें, तो आप कमेंट करिए फ्री में बताइए। यही नहीं, अगर आप किसी भी विषय में दिक्कत देती है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए किसी भी प्रकार से, नोट्स है ना, कुछ भी आपको चाहिए फ्री में मिलेगा भाई, फ्री में, कहीं भी पैसा आपको नहीं लगता है। बट करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि फ्री सेवाएं यहाँ पर मिलती है, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, 4 से 5 लोगों को शेयर कीजिए, अभी आप बताइए। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख कर समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।